6 अक्टूबर 2023 को जितिया व्रत है। इस दिन स्त्रियां संतान की दीर्घायु के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत करती है। मान्यता है कि ये व्रत महाभारत काल से चला आ रहा है। कहते हैं इस व्रत के प्रताप से अभिमन्यु के मृत शिशु दोबारा जीवित हो उठा था। इसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। जितिया व्रत की शुरुआत आशीवन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को नहाए खाए से होती है। अगले दिन निर्जला व्रत कर तीसरे दिन पारण किया जाता है। जितिया व्रत में जिमूत वाहन की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जितिया व्रत कथा के बिना अधूरा माना जाता है। जितिया व्रत कथा जितिया व्रत में इस कथा का विशेष महत्व है। कथा के अनुसार गांधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमूत वाहन था। जिमूत वाहन पिता की सेवा के लिए युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में चले गए थे। एक दिन जंगल में उनकी मुलाकात एक नाग माता से हुई जो बड़ी दुखी थी। जिमूत वाहन के नाग माता से विलाप का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में देंगे। इस समझौते के चलते वृद्धा के पुत्र शंखचूड को गरुड़ के सामने जाना था जिससे वह बहुत परेशान थी। जिमूत वाहन ने नाग माता को वचन दिया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे और उनकी रक्षा करके उन्हें वापस लौटा देंगे। जिमूत वाहन खुद को नाग के पुत्र की जगह कपड़े में लिपटकर गरुड़ के सामने उस शिला पर जाकर लेट गए जहाँ से गरुड़ अपना आहार उठाता है। जिमूत वाहन ने बचाई बच्चे की जान। गरुड़ आया और शिला पर से अपने जिमूत वाहन को पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ ले गया। गरुड़ ने देखा कि हर बार की तरह इस बार नाग ना चिल्ला रहा है और ना ही रो रहा है। उसने कपड़ा हटाया तो जिमूत वाहन को पाया। जिमूत वाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बताई जिसके बाद गरुड़ ने उन्हें छोड़ दिया। इतना ही नहीं नागों को ना खाने का भी वचन दिया। इस तरह से जिमूत वाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा और सुख के लिए जितिया व्रत में जिमूत वाहन की पूजा शुभ लाभदायी मानी गई है। जितिया व्रत को क्यों कहते हैं? जीवित पुत्रिका व्रत। महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अस्थमा पांडवों के शिविर में घुस गया था। शिविर के अंदर 5 लोग को सोया पाए। अस्थमा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया लेकिन ये पांडव नहीं द्रौपदी की 5 संतानें थी। क्रोध में आकर अर्जुन ने अस्थमा को बंदी बनाकर उसकी दिव मानी उसके माथे से निकाल ली। ऐसे पड़ा नाम जीवित पुत्रिका। अस्थमा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्राह्मण शास्त्र से
उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद से ही संतान की लंबी उम्र के लिए जितिया का व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों, जीवित पुत्रिका की ये थी पूरी कहानी। आप लोगों को सुनने में कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पे आप नए हो तो वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। तो दोस्तों, आप अपने रिश्तेदार और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।